तो इतनी सारी 3 एकड़ की फसल में लगभग कितना मोटा मोटा खर्च कर दिया है? मोटा मोटा खर्च तो हो जाता कम से कम 1 लाख रुपया। अच्छा, बिल्कुल हो गया होगा 1 लाख रुपया। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी जगह अगर आपके पास है और उसमें आप अपनी मेहनत तो लगाने के साथ कुछ सब्जियां की खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जी आपको फायदे का सौदा साबित तो होंगी। साथ ही ये बता सकते हैं कि जब आप एक साथ मिश्रित सब्जी यानी कई प्रकार की सब्जियां करते हैं तो आपको पूंजी टूटने की या लॉस होने की संभावना भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आप मिश्रित खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं एक खेती अगर लॉस देती है दूसरी उसको बढ़ने का काम कर देती है। तो हमारे साथ एक किसान है जो कि लगभग 3 एकड़ के काश्तकार हैं और 3 एकड़ में कई प्रकार की सब्जियां उन्होंने लगा रखी हैं। पूछ लेते हैं उनसे। दादा क्या नाम है? हमारा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल कुशवाहा जी, सबसे पहले बताइए, आपने 3 एकड़ जगह है आपके पास, इसमें मिश्रित सब्जियां लगा रखी हैं आपने, कौन कौन सी लगा रखी है? कद्दू लगो, लौकी लगी, तुरैया लगी, भिंडी लगी, टमाटर लगो जी। तो एक साथ इतनी सारी सब्जियां क्या सोच के लगाई थी? ये सोच के लगाई थी कि फायदा होगा, कोशी में नुकसान लगता है तो एक नहीं छोड़ दूसरी में फायदा होगा, लेकिन फायदा होगा जरूर। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे की भरपाई करने के लिए घट्टी लगा रखी थी। लगाया तो इनको लगाने का समय क्या एक ही था कि अलग अलग लगा? एक ही है, बिल्कुल एक ही समय है। एक ही समय एक ही महीने सारी सब्जियां लग जाती एक महीने में। तो अब जैसे भिंडी है तो ये ज़्यादा चलेगी या कद्दू? भिंडी खत्म है, भिंडी तो कम चलती है, कद्दू कम चलता है, तुरैया चला सबसे ज़्यादा। तुरैया ये कितने साथ देती हैं आपकी फसलें? सात तो ऐसा देती है, ठीक दे देती साथ। मतलब कितने समय तक चलती रहती है भिंडी? चलती है केवल 2 महीने लगाने के बाद, 2 महीने फल तोड़ देते हैं। 2 महीना फल तोड़ देते हैं ठीक है। कद्दू चलेगा 2 महीना, करेला चलेगा 3 महीना, तुरैया चलेगी 5 महीना। अच्छा, पुदीना भी लगा रखा है? पुदीना तो ऐसा है कि वो तो ऐसा ही है, पुदीना तो 12 महीने चलता है। तो ये क्या बिक्री में आता है? बिक्री में आता है, यही बिक जाता है। अरे वाह, इसको कौन से कौन लोग लेते हैं, किस लिए लेते हैं? शादी वाले लोग लेते हैं, गन्ना वाले लोग लेते हैं। अच्छा, हाँ, वर्तमान में गन्ने का जूस चल रहा है तो उसमें पुदीना डालता है। पुदीना डालता है तो हमें लगता है कि हमने इतनी कई खेतियां देखी, पुदीना नहीं दिखा हमें कहीं पे। तो आपके पास और कहीं है क्या आसपास? नहीं, यही है, आप ही लगाए हैं? आप ही इतना ही लगो हमारे लोग। तो इतनी सारी 3 एकड़ की फसल में लगभग कितना मोटा मोटा खर्च कर दिया है? मोटा मोटा खर्च तो हो जाता कम से कम 1 लाख रुपया। अच्छा, बिल्कुल हो गया होगा 1 लाख रुपया। ठीक है, तो 1 लाख रुपये जो लगाया था उस हिसाब से उस अपेक्षा से कुछ मिल भी गया होगा? और मिले नहीं, और मिलता हो आगे ही मिलता रहेगा, और मिलता रहेगा। ऐसे किसानों से क्या कहेंगे जो सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी खेती छोड़ देते हैं? खेती का छोड़ो, खेती करो ना अपनी, यहाँ वहाँ क्यों जाओ, बाहर क्यों जाओ, अपनी खुद खेती करो, उसमें फायदा भी होगा और आपकी सुरक्षा भी रहेगी, बच्चों की सुरक्षा रहेगी। यानी आपके पास पानी है और जगह है? पानी है, तो निश्चित आप घर पे ही खेती घर पे ही करते हैं, घर की है। तो बाहर की मजदूरी के बराबर हो जाता है? मजदूरी का पाए, मजदूरी से तो फायदा चौगुना होता अगर ईमानदारी से की जाए तो। यानी जो किसान जी कहते हैं कि खेती घाटी का सौदा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, जो करे ना, मेहनत ना करे तो उसको क्या फायदा होगा, उसी को घाटा होगा। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने सुना, मिश्रित खेती का मतलब एक फसल अगर नुकसान देगी तो दूसरी फायदा देकर जाएगी। जैसा कि किसान ने बताया है, लगभग 3 एकड़ इनके पास जमीन है, उस जमीन में आधा दर्जन सब्जियां लगा रखी हैं और खास करके जो पुदीना है जो 12 महीने चलता है, और गर्मियों में अपने अपने फायदा दे रहा है वो, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना नहीं पड़ रहा है। शादी में भी चल रहा है, शादियों में चल रहा है, गन्ने के जूस में चल रहा है, चाट में हर जगह लगाया जा रहा है। तो आगे भी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें कृषि पिटारा के साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।